कहते हैं हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवामणहारा। वो लोग मरो जिसको जिलाने वाला नहीं मिला है। हम नहीं मरते ना मरने हैं, डरते हैं। क्यों नहीं डरते कि हमें जिलाने वाला मिला है। जिलाने वाले ने हमें अमृत बूटी पिलाई है। वो अमृत बूटी नाम की बूटी है। जिस जीव ने वो नाम की बूटी ले ली, गुरु के बताए परहेज को जिसने पूरा किया और समय पर उस दवाई का पान किया, निश्चित रूप से उसके घट के पर्दे खुल गए, जन्म जन्म के उसके पाप मिट गए। उसने अपने जीते जी जीवन को संवार लिया और आगे के लिए उसने उसको साफ दिखाई, अपने प्रारब्ध कर्म को खत्म करके अपने भविष्य को संवार लिया है। जिसने अपने भविष्य को बना लिया है, उसको अभी पता है कि उसकी हालत क्या होनी है। और जिसने अब खोटे मंदे करके खोटे कर्म के बीज बो लिए, वो अगर अच्छाई के लिए सपने देखता है तो शेख चिली और मूर्खता के सपने हैं वो। इसलिए इंसान का चोला हमें मिला है, और इंसान का चोला मिल के भी, ऐसा अवसर पा के भी, हम गुरु की शरण में जाके और अच्छे गुणों से अपने आप को नहीं भरा, फिर भी अपने आप को बुराइयों में, नीच कर्मों में, दुनियादारी के पाखंडों में फंसा के अपना आकाश कर लेते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं और हीरे जैसा जन्म हम खो के चले जाते हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहता। इसीलिए इस रस के कारण राजाओं ने ऐसा आराम छोड़ दिए। अगर उन चीज़ों में ऐसा आराम में खुशी होती तो वो क्यों छोड़ने वाले थे। उन्होंने इसलिए उस राजकाज को छोड़ दिया कि जो आनंद भक्ति में है वो आनंद इन चीज़ों में नहीं है। लेकिन इंसान को पता कब लगता है, जिस प्रकार से कैंसर रूपी बीमारी का अंत में पता लगता है, जब वो इतनी घातक हो जाती है कि उसको ये हो जाता है कि अब बचने वाला नहीं है, तब उसका पता लगता है। इसी प्रकार से इंसान के जीवन को असली कैंसर वो लगा हुआ है, जब तक इसको होश आवास है, जब तक इसका शरीर इंद्रियां काम करती हैं, जब तक संसार की चीज़ों में मन फंसा हुआ है, तब तक ये चाहता है ये दुनिया मेरी है और मैं सदा के लिए यहाँ रहने वाला हूँ। लेकिन इसके होश ठिकाने जब आते हैं, जब शरीर जवाब देता है, इंद्रियां जवाब नहीं, घर वाले और साथी भी इसको कह देते हैं कि अब तू अपना पास पकड़, दूर बैठ जा। नहीं मानता फिर भी ये कैसी हालत हो जाती है, कमर कमान दांत सब टूटे, नैन होए नजराने, दरवाजे पे खाट डाल दी, बहू में मारे ताने। जब इसकी कमर कमान जैसी मुड़के हो जाती है, मुंह में दांत नहीं रहते हैं और घर के आदमी बहू बेटे इसको ताने देने शुरू कर देते हैं कि मरा नहीं, कहते हैं कि कब इससे पीछा छूटेगा। जब ये सोचता है कि हाय मैंने जिंदगी का क्या किया, नहीं समझता है इंसान। प्रेमियों, जीते जी जो अपने जीवन को बना लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गृहस्थ को त्यागो, इसका मतलब ये नहीं है कि संतान को छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं धन दौलत को ठोकर मार दो, आपने ईमानदारी से सच्चाई से अपनी कमाई है छोड़ो। जिस जो संतान है, जिम्मेवारी है तुम्हारी, उसको पूरा किया है करो, लेकिन अंत सहाय तुम्हारा नाम ही होगा, गुरु होगा, ये चीज़ें काम आने वाली नहीं है। लेकिन जब पता जब तक चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। संत इसीलिए उस देर होने से पहले जीव को चेतावनी दे के समझाते हैं कि भोले बंदे तू चेत ले, उस मालिक ने कहा कि तुझे एक अवसर मिलेगा, उस अवसर को अगर चूक जाएगा तो फिर 84 में धक्के खाएगा, ऊंची नीची योनी जाएगा, गंदी मंदे कर्म करेगा और अपने कर्म के भार को ढोता ढोता फिर ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में रहेगा।